आज हम बात करने वाले हैं कि आप जो क्यूसेरा के आपके पास प्रिंटर्स हैं या कॉपियर कोई भी मशीन है, अगर आप इंडिया के अंदर रहते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है आपके सामने। प्रिंटर आप पहली बार ले आए, सीडी ले आए, लेकिन सीडी खो गई। अब खो गई तो प्रिंटर के ड्राइवर कहाँ से लाओगे? आपने वेबसाइट पे सर्च किया कि क्यूसेरा प्रिंटर ड्राइवर, डाउनलोड किया, जाके देखा 2-4 MB की एक फाइल पड़ी हुई है, उसको आप किस तरह से इंस्टॉल करोगे ये आपके समझ में नहीं आ रहा। पीपीडी फाइल होती है, पीपीडी फाइल आप इंस्टॉल करने के लिए अगर आप लिनक्स के बारे में थोड़ा जानते हैं तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आज हम जो आपको सोल्यूशन बताने वाले हैं वो ये बताने वाले हैं कि डाउनलोड आखिरकार अपना जो सॉफ्टवेयर है कहाँ से करोगे, अपने प्रिंटर के सॉफ्टवेयर कह लो या ड्राइवर कह लो, दोनों ही एक चीज होती है। तो चलिए चलते हैं अपने सिस्टम की ओर और देखते हैं किस वेबसाइट से और किस तरह से आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये आ चुके हैं हम अपने पीसी की ओर। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे डालना है क्यूसेरा इंडिया, ठीक है। कुछ नहीं डालना, कोई प्रिंटर का कोई नाम वगैरह कुछ नहीं डालना। सबसे पहले आपको डालना है क्यूसेरा इंडिया, डाल के गो कर दीजिए इसे। जैसे हमने गो करा, पहले वाला ही हमारा जो आप बॉक्स देख रहे हैं इस पर आपको करना है क्लिक, ठीक है। हमारे इंडिया में इतनी बड़ी मशीन है, अगर आप कंपनी में जाओगे सीधा सीधा जो गुड़गांव में है वहाँ पे आपको ये बड़ी पूरी की पूरी मशीन जो है रखी हुई मिल जाएगी, ठीक है। इसको आप नाम भी देख सकते हैं, 15,000 CC इसका नाम है, इंकजेट है, फुल कलर प्रोडक्शन प्रिंटिंग मशीन है ये, काफ़ी अच्छी मशीन है। आप जाके इसको एक बार ट्राई भी कर सकते हैं, अगर आपका प्रिंटिंग का काम है तो इसे भी आप ले सकते हैं। अब सबसे नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करके आ जाना होगा और नीचे आप देख रहे होंगे प्रोडक्ट सॉल्यूशन एंड सपोर्ट एंड डाउनलोड, आपको क्लिक करना है सपोर्ट एंड डाउनलोड पे। सपोर्ट एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आप ऊपर ही देख पा रहे होंगे डाउनलोड सेंटर एंड सर्विस सेंटर। आपको कुछ नहीं करना, आपको अब यहाँ पे जो डाउनलोड सेंटर वाला है इस पर आपको टैप कर देना होगा और ये अब आपको एक पेज पे ले जाकर छोड़ देगा जहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स में आपके जो प्रिंटर के ड्राइवर हैं वो आपको प्रोवाइड पूरी तरह से हो जाएंगे, बाकायदा मशीन्स वगैरह के साथ। आराम से आप कुछ नहीं करना, आपको एंटर मॉडल नंबर, सबसे पहले मॉडल नंबर है। मान लो कि ज़्यादातर हमारे इंडिया में मशीनें एक टाइम पर आई थी 1800 या 2200 थी, तो मैंने यहाँ पे 1800 डाला, इसने प्रिंटर का मॉडल मेरे को दे दिया। अब ये पूछ रहा है कि आपको चाहिए क्या, ड्राइवर चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। भाई मेरे को ड्राइवर चाहिए तो मैंने ड्राइवर पर क्लिक कर दिया, ठीक है। ड्राइवर पर क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे ही आपको ऑप्शन प्रोवाइड करा देगा, जैसे आप देख रहे हो GX प्रिंटर ड्राइवर। अगर आप यहाँ से करोगे और आप अदर किसी क्यूसेरा की वेबसाइट से करोगे तो वहाँ आपको सबसे बड़ा फ़र्क क्या मिलने वाला है, आप साइज़ देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 127 MB का साइज़ मिल रहा है, जबकि किसी और से जाके आप करोगे वहाँ से 1-2 MB 17-18 MB में आपका जो सॉफ्टवेयर है वो नॉर्मली आपका इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल क्या होता है, एक तरह से छोटी सी PPT मिलती है, वो आपको प्रिंटर में आप उसे इंस्टॉल कर लेते हो, उसके थ्रू आप बस अपने सिस्टम को बता देते हो कि मशीन को किस तरह से मैनेज करना है। जबकि यहाँ जो आपको ड्राइवर मिलेंगे आप देख सकते हैं लिनक्स के मिल रहे हैं, एक्सपीएस के मिल रहे हैं, एक्सपीएस के अलग एक सिस्टम होता है, वो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वाया के ड्राइवर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और वही GX प्रिंटर के आपको ड्राइवर मिल जाएंगे। यहाँ से GX प्रिंटर के आप ड्राइवर कीजिए, क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद एग्री टू कॉन्ट्रैक्ट एंड डाउनलोड, यहाँ से आप देख सकते हैं डाउनलोड पर मैंने क्लिक करा और मेरी जो फाइल है वो डाउनलोड होना पूरी तरह स्टार्ट हो चुकी है। नेट थोड़ा सा स्लो है तो इसलिए आप देख सकते हैं 126 MB कि ये फाइल है। अगर आप नेट का स्लो मतलब बहुत काफ़ी ज़्यादा एडवांस है तो 1-2 मिनट में आपकी ये डाउनलोड हो जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। अदरवाइज आपको कोई भी आगे चल के फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं नीचे जाके, हम सारी कमेंट आपकी पढ़ते हैं और देख कोशिश करते हैं कि अगर किसी के समझ में कुछ नहीं आया है तो उसके दोबारा से उसको समझा दिया जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी और आपको उससे जो है हेल्प पूरी पूरी मिल पाएगी। और अगर आप फ्रेंड वगैरह हैं तो उसमें आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं ताकि उनके साथ भी अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी इस तरह से अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमें पता चले कि हम अगर वीडियो बना रहे हैं तो कितनों के वो काम आ रही है और कितनों के काम वो नहीं आ रही है। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। आई होप सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, नहीं आई है तो कमेंट आप कर सकते हैं हमें।